तो राधे राधे अगेन। चलिए तो बेटा इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेटर के शॉर्टकट की, या कैलकुलेटर को कैसे हमें यूज करना है, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। जैसे मैंने आपके लिए लिखा 8 × 27 × 343 / 9 × 2 × 6 ऐसा लिख दिया मैंने। तो आपको पता है कैलकुलेटर में कैसे करना होता है? तो सबसे पहले आप ऑन ऑफ कर लेंगे 8 × 27 × 343 और डिवाइड बाई 9 / 2 / 6। तो कितना आया सबके कैलसी पे? 6 8। तो ये चीज समझ में आई ना बेटा, ये इनटू इसके साथ है, बट इस नंबर के लिए पूरा ही क्या है? डिवाइड है। इस नंबर के लिए पूरा ही क्या है? डिवाइड है। सबके कैलसी में आ गया पक्का। तो आपको करना क्या था? 8 × 27 × 343 / 9 / 2 / 6 और इक्वल की बटन लास्ट में प्रेस कर देना। डन इतना पार्ट। हो गया। चलो सेकंड की बात करते हैं, और किसी के में नहीं आया तो मुझे बताना जरूर, तभी आगे चलेंगे, ठीक है। अब ऐसे लिखा हुआ है बच्चे, ध्यान से सुनो, 8 × 16 + 24 × 9 + 36 × 5 + 84 × 9, ठीक है, और डिवाइड बाई है 23 × 17 + 26 × 18, ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ आप इसको अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सर हम ऑन ऑफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? ऑन ऑफ कर लिया। ऑन ऑफ लिखेंगे 8 × 16 किया सबने, 8 × 16 m + 24 × 9 m + 36 × 5 m + 84 × 9 m + और MRC की बटन प्रेस कर दो। कितना आया कोई बताएगा? 1280। कोई ऐसा जिसके कैलसी में ये वैल्यू ना आई हो? नहीं आया बच्चे? फिर से मेरे साथ करो, ऑन ऑफ करो कैलसी। कर दिया ऑन ऑफ। अगर कोई कैलसी ओरिजिनल लेके आ गया है धोखे से, उसके में अगर ऊपर M का साइन बन के आ रहा है, किसी के में M का साइन बन के आ रहा है क्या ऑन ऑफ के बावजूद? आ रहा है किसी के बन के? अगर उसके में मान लो किसी कैलसी में M का साइन बन के आ रहा है ऑन ऑफ करने के बावजूद, इसका मतलब है मेमोरी में अभी भी डेटा है। तो फिर MRC की बटन दो बार प्रेस कर दोगे तो वो मेमोरी क्या हो जाती है? हट जाती है। पहले तो अपने क्लास में किसी का आया नहीं ना M प्लस बन के, मतलब ऑन ऑफ कर दिया है अभी भी M प्लस बन के आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो बढ़िया बात। चलो मेरे साथ लिखो सब लोग, 8 × 16 m + किया क्या? 24 × 9 m + किया गया इतना, 36 × 5 m + और 84 × 9 m + देखो कैल्शियम पर कुछ लिख के आ रहा है क्या? mm कहीं कुछ बन के आ रहा है क्या? इसका मतलब आपके मेमोरी में डेटा पड़ा हुआ है। MRC की बटन प्रेस कर दो, MRC वाली। तो 1280 आया है। मैं अभी ये वाला हटा देता हूँ। क्या सबके उसमें आ गया? तो सर इससे होगा क्या बेटा? इससे आप पहले मल्टीप्लाई करते, फिर लिखते, फिर ऐड करते, बट ये सम सारा किसने कर लिया? कैलसी ने ही कर लिया। चलो और थर्ड की बात करते। सबके में आ गया? और नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से आ गया। 8 × 29 − 25 × 24 / 144 × 36 + 84 × 19 / 8 × 23 इसकी हमें वैल्यू बतानी है। चलो तो देखो मेरे कैलसी में मेमोरी लिख के आ रहा है, किसी के में M लिख के आ रहा होगा। जैसे आप ऑन ऑफ की बटन प्रेस करोगे तो हट जाएगा, बट अगर किसी का कैलसी ओरिजिनल होगा तो नहीं हटता, नहीं हटता। तो फिर क्या करना पड़ता है? दो बार MRC की बटन
प्रेस करनी पड़ती है। मेरे साथ चलना सब लोग, 8 × 9 किया क्या, 8 × 9 एम प्लस, तो मेमोरी में विद प्लस साइन आया, ओके 29 आंसर। चलो अभी चेक कर लेते हैं, अच्छा 29, चलो 8 × 29 और एम प्लस कर लिया क्या। अब की बार 25 × 24, ये प्लस साइन के साथ जाना या माइनस साइन के साथ, तो एम माइनस की बटन प्रेस करना, एम प्लस की नहीं, किसकी करना, स्टेप्स वन में आया, अगर प्लस साइन है तो एम प्लस, अगर माइनस साइन है तो एम माइनस। अब 144 × 36 एम प्लस और 84 × 19 ये भी एम प्लस, 8 × 23 ये एम माइनस, और एम आर सी की बटन बताओ कितना आया, अरे जो भी आया 6 2 2 8 3 9 5 6 आया, कोई बात नहीं कुछ मिस्टेक कर दियो। कितने लोगों का ये आया 6 2 2 8 यही आया, चलो कोई बात नहीं, फिर से ऑन ऑफ करो, 8 × 29 एम प्लस, अगला नंबर बेटा क्या माइनस वाला है क्या, यस, तो 25 × 24 एम माइनस, 144 × 36 एम प्लस, 84 × 19 एम प्लस और 8 × 23 एम माइनस और एम आर सी की बटन। मेरे में तो अभी भी 6 2 2 8 आया, आ रहा है। तो ये होता क्या है बेटा, ये हमारा बहुत टाइम क्या कर देता है, सेव कर देता है। अभी तो मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के शॉर्टकट बताऊंगा, वहां पे अगर सॉल्व करते हो तो 5 मिनट लगता है, और अगर आप कैलसी का शॉर्टकट अप्लाई करते हो तो मुश्किल से 40 या 50 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, क्या ये तीनों पार्ट क्लियर हो गए? चलो अभी डिवाइड वाला नहीं बताता, अपनी तुम लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा, इतना इतना समझ में आ गया। चलो फोर्थ पढ़ रहे हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन रूल। टू की पावर 5 कितना होता है ये हमें भी मालूम है, 32, बट कैलसी बोलता है या नहीं बोलता, ऑन ऑफ करो सब लोग, ऑन ऑफ किया, 2 × इक्वल की बटन बेटा कितनी बार, मैं स्टेप लिखता हूं आपके लिए, सुनना, स्टेप लिख के चेक करता हूं। स्टेप फर्स्ट होता है बेटा, उसको एसी वाली हवा दे दो, ऑन ऑफ कर दो, ठीक है, ये सबके लिए फिक्स है स्टेप फर्स्ट। स्टेप टू है आपका, नंबर क्या करना है बेटा, नोट डाउन, नंबर नोट डाउन कर लेना है। स्टेप थ्री है बेटा, इनटू की बटन प्रेस करनी है, किसकी बटन प्रेस करनी है, इनटू की बटन प्रेस करनी है, ओके। और स्टेप फोर है आपका, इक्वल की बटन आपको प्रेस करनी है, एन माइनस वन, सर एन माइनस वन का मतलब क्या है, एक बार कम, यहां पे 5 है तो कितनी बार करेंगे, 4 बार, ठीक है। चलो सब लोग चेक करो क्या इतना आ रहा है क्या अपने में, 2 × इक्वल की बटन 1 2 3 4 बार, हाँ सर आ रहा है। ये तो बहुत छोटी वैल्यू थी, बट अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो बेटा पावर में, तो हो सकता है कि हम इक्वल करने में क्या कर दें, गलती। तो इसका एक तरीका और है, आप इक्वल प्रेस करते जाओ और चेक करने के लिए बेटा स्क्रीन के कॉर्नर पे बेटा आप एन प्लस वन देखोगे, क्या देखोगे, तो अपने में क्या देखो, कॉर्नर पे क्या 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 6, ओके। तो इसका आंसर सब लोग बताओ 1.08, इस पे पावर है बच्चे 24, सब लोग निकालो अपने कैलकुलेटर पे, 1.08 5.34, एक और कोई आंसर बताओ तो वो इसके बाद डी मैन ऑफ डी लिख दूंगा, तो पूरे 4 ऑप्शन हो जाएंगे ना। रीचेक करो सब लोग,
1.08 इंटू, सर हम गिनने से तो रहे नहीं, पागल समझ रखा क्या 24 बार गिनेंगे? तो बेटा मैं तेजी से प्रेस करता जा रहा हूँ और जैसे मेरे 20 के पास में हो जाएंगे मैं स्लो हो जाऊंगा। स्क्रीन के कॉर्नर पे कितना देखूंगा बच्चे, मैं 25 देखूंगा। तो ये है बेटा 6.34। जिसने भी ये किया होगा बेटा एक बार कम देखा है, ठीक है? तो स्क्रीन के कॉर्नर पे एक एक्स्ट्रा दिखता है और इक्वल एक बार कम प्रेस करते हैं, रिटेन रह जाएगा माइंड में पक्का, क्योंकि डिवाइड वाला बताने के बाद बच्चा कंफ्यूज होने लगता है। ये सबको आ गया? और एक आध क्वेश्चन दूं क्या चेक करने के लिए? चलो इसकी वैल्यू बताओ, 1.1 इस पे पावर है 36, नहीं नहीं बेटा जाएगा 1.1 इंटू 30.9। तो कॉर्नर पे कितना देख रहा है, हो गए 37 देख रहा है वो, तो ये आ गया 30.9। सिंपल है क्या? हाँ चलो, ये तो भैया मल्टीप्लाई वाला रूल हो गया, अब पढ़ते हैं डिवाइड वाला। इनका हम टॉपिक में यूज करेंगे इसलिए मैं आपको पहले पढ़ा देता हूं ये चीजें। ऐसे लिखा है बच्चे, 1 डिवाइड बाई 1.08 पे पावर, अभी किया था क्या? हाँ 24। तो आप लोग कह सकते हो अरे सर इनटू वाला रूल लगा लेंगे और डिवाइड कर देंगे। बेटा लिखोगे नोट करोगे 5 से 7 सेकंड वेस्ट कर दोगे, बेटर क्या है हम इसको कौन सा रूल के साथ पढ़ लें, डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल भी सेम स्टेप फॉलो करता है। स्टेप वन कहता है भैया कैल्सी को हवा दे दो, ऑन ऑफ कर दो, कर दिया। स्टेप टू कहता है, बच्चे ध्यान से सुनना, आप न्यूमरेटर लिखिए, क्या लिखिए? न्यूमरेटर, फिर बेटा आप डिवाइड वाली बटन प्रेस करिए। मैं एक साथ कर देता हूँ सब चीज, या अलग अलग लिखूं? डिवाइड वाली बटन, और फिर बेटा आपको लिखना है जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है? अभी नहीं, मेरे साथ पहले सुनो। यहाँ पे स्टेप थ्री है, अब आपको क्या करना है, इक्वल की बटन प्रेस करनी है। किसकी बटन प्रेस करनी है? इक्वल की बटन। सर कितने टाइम्स करनी है? यहाँ पे एन टाइम्स ही करनी होती है। कितने टाइम्स करनी होती है? एन टाइम्स ही। और अगर चेक करना है तो स्क्रीन के बेटा कॉर्नर पे आपको कितना दिखेगा? एन प्लस टू, दो ज्यादा दिखेगा। कितना ज्यादा दिखेगा बेटा? यहाँ पे टू आपको एक्स्ट्रा दिखेगा। कितना एक्स्ट्रा दिखेगा? टू। मेरे साथ आओ सब लोग, ऑन ऑफ किया कैल्सी क्या आपने? वन, न्यूमरेटर में कितना है? वन। डिवाइड, तो मैंने डिवाइड के बटन, डिनोमिनेटर में कितना है बेटा? 1.08। अब इक्वल की बटन अगर गिनना चाहे तो वो गिन लेते हैं सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखो कॉर्नर पे क्या टू ज्यादा दिख रहे हैं क्या? टू ज्यादा दिख रहा है ना, तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई है 0.157699। आप ऐसे करके भी चेक कर सकते हो मैं सही पढ़ा रहा हूं या गलत। वन डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू मैंने आपको पीछे देके रखी हुई थी 5.87, बट आपको ये रूल आना चाहिए क्योंकि ये जब टीवीएम पढ़ोगे तो ये आपकी बहुत हेल्प करता है। कर लिया क्या इतना? आ गया। एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो। चलो 1800 डिवाइड बाई 1.1 पे पावर बेटा है 12, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगा? सब लोगों को करना है। और अगर नहीं गिनना है तो स्क्रीन पे क्या देखना बेटा? एक एक्सिस, एक नहीं सर दो एक्सिस देखना होता है। कितना आया आंसर? 5, 7, 3.5। सिंपल है क्या? Yes, अभी बंद नहीं करो बेटा, बंद नहीं करो, एक एक पार्ट अभी और बचा हुआ, बस एक पार्ट और
याद हुआ या नहीं हुआ? फिर मैं बता देता हूँ, कोई नहीं, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले न्यूमरेटर लिखिए बेटा, क्या लिखा था मैंने, न्यूमरेटर डिवाइड का साइन प्रेस करिए, और फिर बेटा डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो लिख दीजिए, लिख दिया इतना। फिर क्या करना है, इक्वल की बटन प्रेस करनी है, कितनी बार, जितना पावर हो। तो पावर कितनी थी बेटा, 24, कितनी थी बच्चे, 24। तो बच्चे मुझे बताओ, तो या तो 20 बार गिन लो, या तो बेटर क्या, स्क्रीन पे 2x देख लो, लगता है इतना ही रखा जाए, ठीक है। चलो, वैसे तो मुझे आज डल्टी पावर भी पढ़ाना था, बट नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे। इनकी प्रैक्टिस करके आना, ठीक है।